इस वक्त किठोड़ विधानसभा क्षेत्र में हमारी टीम लगातार भ्रमण पर है। हालांकि तमाम लोगों से भी बात की, यहाँ के वोटर से उनसे भी बात की, ग्रामीणों से बात की और जो किसान हैं उनसे बात की। तमाम लोगों ने अपनी राय रखी और यहाँ खासतौर से जो समाजवादी पार्टी और लोकदल के गठबंधन के प्रत्याशी बनाए गए हैं शाहिद मंजूर, उनका दबदबा यहाँ देखने को मिल रहा है। मेरे साथ खुद मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस बार क्या जादू चलने वाला है। मंत्री जी, आप कैबिनेट मंत्री रहे हैं पूर्व में भी, वर्तमान में आपका, मैं क्षेत्र में से आ रहा हूँ, भ्रमण कर रहा हूँ, लगातार कई गाँवों में गया हूँ, आपके चाहने वाले बहुत मिल रहे हैं, इस उतने सपा के नहीं हैं जितने आपके हैं, तो क्या आप इस बार विधायक बनने जा रहे हैं? पहले तो जो आपका लफ्ज है दबदबा, ये किठोर विधानसभा क्षेत्र में किसी का दबदबा नहीं है, लोगों की मोहब्बत है जो आपको दिखाई दे रही। और हार जीत और MLA बनना न बनना ये तो सब अल्लाह के हाथ में, आदमी के हाथ में नहीं है। पिछली बार हम कैबिनेट में रहते हुए चुनाव हार गए, उससे पहला चुनाव जब हर जगह बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट जीते तब हम चुनाव जीत गए। उससे पहले 2002 में लोकदल और भाजपा का गठबंधन था तो चुनाव जीत गए। तो ये तो हार जीत का फैसले और ये तो सब ऊपर वाले के हाथ में, आदमी के हाथ में नहीं है। लेकिन जो हालात बने हैं 5 साल में, जो हालात रहे हैं उनको इस प्रदेश की जनता ने भली भांति देखा है और समझा है, उसमें किठोर क्षेत्र भी शामिल है। कोरोना काल में लोगों को दवा नहीं मिली, कोरोना काल में लोगों को गैस नहीं मिली और अस्पतालों के बाहर मर गए, उनको बेड नहीं मिला, लगातार ये हालत देखी है। किसानों ने सारे दिन खेती में मेहनत करते हैं, फसल उगाते हैं और रात को डंडा लेके अपने खेतों की रखवाल करते हैं। छात्र हैं, नौजवान हैं, फार्म भरते हैं, जाते हैं उसके लिए टेस्ट देने के लिए, उसके लिए जाते हैं और वहाँ से पता लगता है कि या तो पेपर लीक हो गया या इस्टे हो गया। तो चारों तरफ मायूसी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ किठोर विधानसभा क्षेत्र में, लेकिन गाजीपुर से बलिया से लेकर सहारनपुर तक समाजवादी पार्टी का दबदबा है, समाजवादी पार्टी की लोग बात कर रहे हैं और इतनी बात कर रहे हैं लाल टोपी लगा के, इतनी लाल टोपी लगा के कि प्रधानमंत्री को दिल्ली में बैठ के उत्तर प्रदेश की लाल टोपी दिखाई दे गई और उन्होंने कहना पड़ा प्रधानमंत्री को कि हमें खतरा है तो लाल टोपी से है। यकीनी तौर पर उत्तर प्रदेश में लाल टोपी भारतीय जनता पार्टी को हटाने का और भगाने का काम करेंगे। बेसिकली ये तो कॉन्ट्रोवर्सीज हो गई, ये लगभग मैं समझता हूँ सभी जो सरकार में होते हैं उन पार्टी के साथ लगी रहती है, लेकिन मुद्दे इस बार मूलभूत जो मुद्दे हैं, जैसे महंगाई का हो गया, बिजली का हो गया, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, खासतौर से सड़कें टूटी हुई हैं क्षेत्र में, नालियां नहीं बनी है, लोगों को भी काफ़ी विरोध है जो स्थानीय विधायक हैं उनका, तो क्या इन मुद्दों से भी लोग प्रभावित होंगे कि भी आप पूर्व में थे, आपके लोग तारीफ भी कर रहे हैं कि मंत्री जी ने करा दिए थे लेकिन अब नहीं हो रहे हैं, क्षेत्र में विधायक दिखते नहीं हैं, तो क्या मुद्दे रहेंगे जो विकास कार्य हैं उनको लेकर के भी लोग आपसे इंस्पायर हो रहे हैं? ये गांव का प्रधान लोग इसलिए बनाते हैं कि गांव की तरक्की हो, ब्लॉक प्रमुख इसलिए बनाते हैं कि ब्लॉक की तरक्की हो, MLA इसलिए बनाते हैं कि MLA के क्षेत्र में, MP इसलिए बनाते हैं कि MP के क्षेत्र में। लेकिन जब इलेक्शन होता है तो भारतीय जनता पार्टी खास तौर से मूल मुद्दों से हटकाने की भटकाने की बात करती है, वो राम मंदिर की बात करती है, हिंदुइज्म की बात करती है, वो देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करती है। अब वो यहाँ की जनता, खास तौर से उत्तर प्रदेश की जनता, अब इन खोखले नारों से और देश की जनता इन खोखले नारों से ऊब चुकी है। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग जा रहे हैं उनका विरोध हो रहा, नौजवान रोजगार की बात कर रहा है, व्यापारी व्यापार की बात कर रहा है, किसान किसान की बात कर रहा है, जो नौकरी पेशा लोग हैं वो नौकरी की बात कर रहे हैं, अध्यापक अपनी पेंशन की बात कर रहे हैं, अपनी नौकरी की बात कर रहे हैं, जिन जिन लोगों की तनख्वाह घटाई है उत्तर प्रदेश सरकार ने वो तमाम वर्ग, चाहे वो आशाएं हैं, चाहे वो आपके जो अपने शिक्षक रखे थे वो हैं, कोई भी हैं, सब अपने अपनी प्रॉब्लम से, अपनी अपनी समस्याओं से ग्रस्त हैं। सब लोग अपनी समस्या की बात कर रहे हैं, रोटी रोजी की बात कर रहे हैं,
भुखमरी की बात कर रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं कि कोरोना में उनकी क्या दुर्दशा हुई है। इसीलिए भारतीय जनता परेशान है और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ चुनाव होंगे, जिस जिस चरण में चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी उस चरण में उसका सफाया होता चला जाएगा। पिछली बार इन लोगों ने झगड़ों का सहारा लेकर, पिछली बार इन्होंने दंगों का सहारा लेकर पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बांटने की कोशिश करी थी, लोग भ्रमित हुए थे, वोट बटी थी। इस बार ऐसा नहीं है। लोकदल और समाजवादी पार्टी के गठबंधन में तमाम लोग इकट्ठे होकर वोट दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को हटाने में सहयोग दे रहे हैं। आखिरी सवाल मेरा ये है, आप जिस क्षेत्र में चुनाव लड़ते हैं वो क्षेत्र किसानी से प्रभावित है, किसान रहते हैं और बहुमूल्य इलाका है किसानों का, तो देखा यह गया था किसानों की जो तीन कानूनों की बात हो रही थी वो काफ़ी समय तक आंदोलित रहे, और शायद ये भी वजह है कि जो मुस्लिम और जाटों के बीच में खाई पड़ गई थी 2013 में, उसको भी भरने का काम किया। लेकिन क्या लगता है आपको, जो किसान रूठा है भारतीय जनता पार्टी से, उसका कितना फ़ायदा गठबंधन को मिलने जा रहा है? एक तो होती है नाराज़गी, दूसरी होती है दुश्मनी। आज नाराज़गी नहीं है भारतीय जनता पार्टी से, किसानों की दुश्मनी है। और ये दुश्मनी किसानों ने नहीं पाली है, ये दुश्मनी भारतीय जनता पार्टी ने पाली है। जब भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, उनके नेता, उनके विधायक जनता को अगर कुचलने का काम करेंगे, गाड़ी चढ़ाने का काम करेंगे, उनको मारने का काम करेंगे, उनको आतंकवादी कहेंगे, उनको खालिस्तानी कहेंगे, उनको पाकिस्तानी कहेंगे, उनको मवाली कहेंगे, तो ये राजनीतिक द्वेष नहीं है बल्कि ये किसानों से दुश्मनी है। और इस दुश्मनी का आगाज, इसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने करी है और इसका जवाब उत्तर प्रदेश का किसान बलिया से सहारनपुर तक, उत्तर प्रदेश का किसान इनका जवाब देगा। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ शाहिद मंजूर, पूर्व कैबिनेट मंत्री और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं। हालांकि किसानों के मुद्दे पर भी खूब इन्होंने अपनी राय रखी है, और अब देखा भी ये जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं केंद्र में, वो भी किसानों के पास जा रहे हैं, टिकैत फैमिली के पास जा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं और शायद विनती कर रहे हैं कि उनको सपोर्ट किया जाए, नहीं तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में उनकी नाक कट सकती है। ऐसे में चुनाव परिणाम अभी आने हैं और देखना होगा कि दबदबा आखिर भारतीय जनता पार्टी का रहता है या फिर गठबंधन का। बहरहाल, अपने सहयोगी अनमोल गर्ग के साथ मैं मनोहर चौहान, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, मेरठ।